वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर प्ले स्टोर आपका ओपन करते इस तरह का इशू आ रहा है, इस तरह का दिखाई दे रहा है, यू आर ऑफलाइन, चेक योर कनेक्शन और गेट ए नोटिफिकेशन व्हेन यू आर बैक ऑनलाइन। तो इसी का हम आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहें। तो देखिए, आपको करना क्या है कि आपको हम कुछ टिप्स और ट्रिक बता रहे हैं, उसको आपको फॉलो करना है। तो देखिए, आपको करना क्या है कि आपको चले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में, और सेटिंग में जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको चेक कर लेना है कि आपकी जो वाईफाई है या डाटा है। तो वाईफाई या डाटा सेटिंग की बाद में हम बताते हैं। वाईफाई नोटिफिकेशन को नीचे करते हैं और वाईफाई या डाटा आपका चालू है या नहीं चालू है, पहली बात। दूसरी बात कि जिस सिम से आप डाटा यूज़ कर रहे हैं उस सिम में नेट बैलेंस है या नहीं है, ये चेक कर लेंगे। इसके बाद आप जाएंगे सेटिंग में जाएंगे, सिम कार्ड एंड नेटवर्क में जाएंगे, मोबाइल नेटवर्क में जाएंगे। तो यहाँ चेक करेंगे कि जो आपका जिस सिम में डाटा है वो सेलेक्ट है या नहीं है, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है फिर से सेटिंग्स में, और चले जाना है आपको ऐप्स में। और ऐप्स में जब जाएंगे तो सेकेंड नंबर में आपको जाना है मैनेज ऐप्स में, और मैनेज ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है प्ले स्टोर। तो गूगल प्ले स्टोर जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर डाटा में जाके क्लियर कैच करेंगे, फॉरेस्ट स्टॉप पे जाके फॉरेस्ट स्टॉप करेंगे, ऐप परमिशन पे जाएंगे और यहाँ पे आप कनेक्टेड पे जाएंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे और लोकेशन पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक बार अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है, इसके बाद यूज़ करेंगे तो इस तरह का इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका यही सोल्यूशन है। तो अगर यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।